वेलकम बैक टू माई चैनल। आज हम बात करने वाले हैं सिनोनियम्स के बारे में। ये हमारी सेकेंड क्लास होगी। ओके, तो देखिए सबसे पहला सिनोनियम है हमारा कॉर्टेसी। कॉर्टेसी क्या होती है? विनम्रता। अब देखिए विनम्रता किसमें मिलती है? कोर्ट में। आप इसे ऐसे याद रखिए, हमें कोर्ट में क्या मिलती है? विनम्रता। जब कोई व्यक्ति अगर गुनाह करके आता है, कोई क्राइम करके आता है, तो उसे सरकार क्या करती है, मतलब जज क्या करते हैं, उसे विनम्र बना के उसे छोड़ दिया जाता है। ओके, तो आप इसे याद रख सकते हैं कोर्टेसी। कोर्टेसी क्या होती है? विनम्रता। इसका ही सिनोनियम क्या हो जाएगा? सबमिसिव। सबमिसिव क्या होता है? ये भी विनम्रता का ही एक सेंस है। ओके, सबमिसिव। कोई व्यक्ति सबमिसिव है तो वो कैसा व्यक्ति है? बहुत ज़्यादा विनम्र व्यक्ति है। ओके, जेनियल। अब ये जेनियल व्यक्ति कैसा है? बहुत ज़्यादा सबमिसिव है, हम्बल। हम्बल जिसे अपने आप पर गर्व हो, अपने आप पर प्राइड हो, वो कैसा व्यक्ति होता है? बहुत ज्यादा सबमिसिव होता है, विनम्र व्यक्ति होता है। ओके, देखिए टेंडर। अब जो टेंडर डालते हैं वो कैसे होते हैं? बहुत ज्यादा विनम्र व्यक्ति होते हैं। आप इसे ऐसे याद रखिए। ओके, आप इन्हें लिख करके देखिए, बहुत जल्दी आपको ये याद हो जाएंगे। ठीक है, देखिए स्प्रिंगी। अब देखिए स्प्रिंग क्या करती है? ऊपर नीचे होती रहती है, तो वो कैसी है? बहुत ज्यादा विनम्र है। ओके, बहुत ज्यादा विनम्र है। ठीक है, मीक पॉइंट। अब देखिए एक तो होता है वीक पॉइंट, एक होता है मीक पॉइंट। मीक कैसा होता है? बहुत ज्यादा विनम्र होता है। ओके, आप इसे इनको ऐसे ही याद कर सकते हैं। ठीक है, देखिए अब आता है नेक्स्ट हमारे पास रिचनेस। रिचनेस क्या होती है? रिचनेस होती है हमारी पर्याप्त मात्रा। क्या? पर्याप्त मात्रा। क्या रिचनेस होती है हमारी? पर्याप्त मात्रा, बहुत ज्यादा प्रचुर, बहुत ज्यादा प्रचुर मात्रा में, बहुत ज्यादा सफिशियंट होना, इनफ होना। ओके, ये सारे इसके सिनोनियम हैं। मैंने कई सिनोनियम आपके लिए लिए हैं और इनमें से एक ना एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है एग्जाम में। ठीक है, देखिए इनफ। इनफ बहुत ज्यादा सफिशियंट, इनफ बहुत ज्यादा प्रचुर। ओके, इनफ आपने वर्ड सुना होगा। एवेंडेंस। एवेंडेंस ये इंपॉर्टेंट वर्ड है आपके लिए, पेपर में पूछा ही जाता है। एवेंडेंस, एवेंडेंस होता है बहुत ज्यादा प्रचुर मात्रा में होना, किसी चीज का प्रचुर मात्रा। बॉन्टिफुल होना, प्लेंटिफुल होना, एग्जॉर्बिटेंट होना, एम्पलनेस होना, अबाउंडिंग होना, सब्सटेंशिएट होना और सफिशियंट होना, कंपिटेंट होना। ये सारे के सारे वर्ड कैसे हैं? बहुत ज्यादा अपने आप में प्रचुर मात्रा का ये सेंस लेते हैं, इसलिए मैंने इन वर्ड्स को यहाँ पर लिखा है। ओके, तो देखिए मैंने आपको ये वर्ड लिखा है, आपको याद हुए कि नहीं आप कमेंट में जरूर बताना। ठीक है, मैंने ये वर्ड सारे के सारे वर्ड ऐसे लिए हैं जो कि एक में एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। ठीक है, ओके, तो देखिए न्यू वर्ड हमारा आता है स्कार्सिटी। अब देखिए हमारे पास बहुत ज्यादा मिल गई थी, पर्याप्त मात्रा में हो गया था वर्ड। अब मैंने जस्ट इसका एंटोनियम ले लिया है, इससे कि आपको याद करने बहुत ज्यादा आसानी हो जाए। एंटोनियम आप बना लो। ठीक है, स्कार्सिटी। स्कार्सिटी क्या होता है? कमी होना, किसी चीज की कमी पड़ जाना। तो देखिए मैंने बताया था पर्याप्त मात्रा में होना, अब आता है कमी होना। तो देखिए स्कार्सिटी, स्कार। अब देखो कारों की सिटी में बहुत ज्यादा कमी पड़ गई, तो क्या हो गया? बहुत ज्यादा कमी हो गई। ओके, अब देखिए पाव सिटी, किसी सिटी में, शहर में पाव की कमी पड़ गई, मतलब बहुत ज्यादा कमी हो गई। ठीक है, डिफिशियंसी, उसमें बिल्कुल भी डिफिशियंसी नहीं है, उसमें कोई कमी नहीं है। ओके, हम ऐसे कह सकते हैं डिडक्शन। अब देखिए रिडक्शन और डिडक्शन मैंने आपको बताए थे, ये कमी का सेंस लेते हैं। शॉर्टेज, शॉर्टेज भी आप याद होगा, शॉर्ट होना, कमी होना, कमी पड़ जाना। ओके, कर्टेल, किसी चीज को कर्टेल कर देना, मतलब कमी कर देना किसी चीज की। ओके, अब देखिए न्यू वर्ड मैं आपके लिए लेकर आया हूं मैरी। मैरी का आपने वर्ड शादी करना सुना होगा, पर यहां पर क्या है? खुश होना। ओके, क्या? खुश होना। अब देखिए मैरी माने खुश होना, तो जॉय हो जाएगा इसको, इसका सिनोनियम जॉय, हैप्पीनेस, बीटीट्यूड, मर्थ, फेलिसिटी, रैप्चर, ये सारे के सारे इसके सिनोनियम है। इससे मिलते जुलते वर्ड हैं, इसलिए मैंने इन वर्ड्स को इसमें पुट अप किया है। ओके, अब देखिए न्यू क्वेश्चन आगे आता है डेस्ट्रॉय। डेस्ट्रॉय होता है नष्ट करना। ठीक है, डेस्ट्रॉय नष्ट करना, आपने ये वर्ड बहुत ज्यादा सुना होगा। और लिक्विडेट कह सकते हैं हम, जो जो पदार्थ लिक्विड होता है उसे हम क्या कह सकते हैं? जैसे कि H2SO4 है, वो लिक्विड है,
तो H2SO4 को हम अगर अपनी स्किन पर डालते हैं तो क्या करता है, बहुत ज्यादा हमको नष्ट करने की संभावना प्राप्त करता है। तो देखिए आपको ये वर्ड ऐसे ही याद होंगे, इसलिए मैं आपको ये वर्ड ऐसे ही याद कराऊंगा। अब ये मैंगल, मैंगल अब मंगलवार को अगर हम कोई बुरा काम कर दें तो हम कैसे हैं, बहुत ज्यादा हम हो सकते हैं नष्ट हो सकते हैं। ओके, अपरूट। अब देखिए अपरूट, रूट जैसे कि जड़, पेड़ की जड़ को हम अप कर दें तो वो क्या हो सकता है, नष्ट होना हो सकता है। ओके, ऐसे ही रूट आउट है, बाहर निकालने से पेड़ क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। ब्रिंग डाउन, ब्रिंग डाउन एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है नष्ट करना। ठीक है, एवोलिश, एवोलिश भी नष्ट करना, एवोलिश नष्ट करना। एमिनिएट, इमिनेट, एलिमिनेट, एलिमिनेट करना, जैसे कि फाइट में क्या होता है, रेसलिंग में क्या होता है, एक दूसरे को एलिमिनेट करते हैं तो वो क्या हो जाता है, नष्ट कर देते हैं, मतलब धराशाही कर देते हैं। ओके, अगला वर्ड है हमारे पास रियून, रियून करना मतलब नष्ट करना, आपने ये वर्ड सुना होगा। अब देखिए हमारे पास था खुशी, सिनोनियम था, अब हमने इसका क्या बनाया, एंटोनियम। आपको एंटोनियम याद करने की कोई जरूरत नहीं है। तो देखिए सैड, सैड दुखी का सिनोनियम क्या हो जाएगा, डोल्ड्रम, डोल्ड्रम हो जाएगा इसका सिनोनियम, डोल्ड्रम। सोमवार, हम देखो सोमवार को हम उठते हैं, मतलब मंगलवार को, मतलब संडे को हम सो के अगर सोमवार को उठे तो कैसा लगता है हमें, बहुत ज्यादा दुखी फील होता है, सैड फील होता है। ठीक है, सोरोफुल आपने सुना होगा, मॉर्नफुल आपने सुना होगा, अनहैप्पी आपने सुना होगा, ये सारे के सारे वर्ड कैसे हैं, बहुत ज्यादा अपने आप में दुखी वर्ड लेते हैं। ठीक है, आज की क्लास बस यहीं तक, उम्मीद करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी। ओके बाय।